बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट करना है 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारी जो 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख लिया और यहाँ पे मालूम हमने न्यू एक स्टेप करना है। कालबू का मक्ता मालूम कर रहे हैं, मॉड मालूम करना है मक्ता। ठीक है, मक्ता क्या होता है आप लोगों को ये कंफर्म नहीं होगा, ये मैं आप लोग इस वीडियो में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू -1। ये मैंने मैट्रिक्स डाला हुआ है, ठीक है, कालब -1 1 2 0। तो इसको मजीद सॉल्व करूंगी यहाँ पे मैं सोल्यूशन में, ठीक है ना। एज इट इज ये वाली वैल्यू लिख लूंगी -1 1 2 एंड 0। ठीक है, अब ना मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने ए का मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास ए इज इक्वल टू, जब मैं इसका मॉड लगाऊंगी तब मैंने मैट्रिक्स को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लाइन कर देना है। ठीक है, इस लाइन को डालने के बाद मैंने अगेन इसको ऐसे कर लेना है मॉड डालने के लिए -1 2 एंड 1 एंड 0। इसको कैसे अब सॉल्व करना है, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखें, इसको या इसके साथ करना है और इसको इसके साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये मैं बताती चलूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे ना मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड प्लस का साइन दरमियान में एंड 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको मैंने अरेंज किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करेंगे, अगर माइनस, मैंने आप लोगों को बताया -0 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस को पुटअप करना है, बल्कि मार्ड में हमने इसको माइनस में करना होता है और प्लस हमने वहाँ पे करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हमने इसको माइनस ही यहाँ पे लगा दिया, तो आंसर क्या आया माइनस का, तो यहाँ पे -2 मैंने अप्लाई किया तो -2 हमारे पास आंसर आया। ये हमारे पास मक्ता मालूम हो चुका है मॉड। ठीक है, बहुत ईजी तरीका, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की और कुछ भी नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।